CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम चैती राग भैरवी। चैती यह उपशास्त्रीय संगीत की शैली है। यह उत्तर प्रदेश के लोक संगीत से उदित हुई है जो कि चैत माह पर आधारित है। इसमें उपशास्त्रीय बंदिशें गाई जाती हैं। चैत्र के महीने में गाई जाने वाली इस शैली की बंदिशों के विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहते हैं। चैत्र श्री राम के जन्म का भी मास है, इसलिए राम का बाल्यकाल भी प्रायः इन बंदिशों का विषय होता है। ये अक्सर राग भैरवी, पीलू, देस और खमाज आदि रागों में बंधी होती है। ताल मुख्यतः दादरा और कहरवा होती है। ताल कहरवा क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल कहरवा, कहरवा ताल में चार मात्राएं होती हैं। विभाग दो, ताली एक पर और खाली तीन पर। इसके बोल हैं धागे नाती नक धिन। अब आप कहरवा ताल को तबले पर सुनिए। कुछ विद्वान इसे आठ मात्राओं का मानते हैं, इसलिए इसमें चार विभाग, ताली तीन यानी कि पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, सातवीं मात्रा पर और खाली पांचवी मात्रा पर मानते हैं। बोल वही हैं धागे नाती नक धिन। अब आप ताल कहरवा का ठेका तीन चार आवर्तियों में तबले पर सुनिए। राग भैरवी पर आधारित चैती सुनने से पहले आइए राग भैरवी को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग भैरवी भैरवी थाट का राग है। इसमें रे, गा, धा और नी कोमल लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका वादी स्वर मा और संवादी स्वर सा है। राग भैरवी का गायन समय प्रातः काल है। राग भैरवी का आरोह इस प्रकार है। सा रे ग म प द नि सा। राग भैरवी का अवरोह इस प्रकार है। सा नी द प म ग रे सा। अब प्रस्तुत है राग भैरवी की पकड़। नी सा ग म द प म ग म रे सा। नी सा ग म
आइए अब सुनते हैं राग भैरवी पर आधारित चैती। चैती की बंदिश के बोल हैं, आए चैत मन भाती हो रामा आई न पाती। आए चैत मन भाती हो रामा, आए चैत मन भाती हो रामा, आई न पाती हो रामा, बिरही कोयलिया शब्द सुनावे, बिरही कोयलिया शब्द सुनावे, कलना परत दिन राती हो रामा, 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 आए चैत मन भाती हो रामा, आई न पाती हो रामा, आए चैत मन भाती हो रामा, आए भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। तो अब सुनते हैं चैती पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत के साथ। चैती की बंदिश के बोल वही हैं, आए चैत मन भाती हो रामा आई न पाती। आए चैत मन भाती हो रामा, पाती हो रामा, आई न पाती हो रामा, आई न पाती हो रामा, आए चैत मन भाती हो रामा, आए चैत मन भाती हो रामा।
बिरही कोयलिया शब्द सुनावे, बिरही कोयलिया शब्द सुनावे, बिरही कोयलिया शब्द सुनावे, बिरही कोयलिया शब्द सुनावे। कल ना परत दिन राती हो रामा, कल ना परत दिन राती हो रामा, कल ना परत दिन राती हो रामा, कल ना परत दिन राती हो रामा। आए चे मन पाती हो रामा, आए ना पाती हो रामा, भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है चैती की रचना की धुन, पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में। विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग और चैती का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। चैती राग भैरवी। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंकरियाल, वाचन स्वर जितेंद्र रामप्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिअंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और मीनाक्षी कुकरेती, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।